फाइनली वो दिन आ ही गया था जिसका सिर्फ हमें नहीं, इनफैक्ट भैया भाभी पूरी फैमिली को बेसब्री से इंतजार था और हम चलते हैं। इतना सामान है गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं आकृति और स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार टू बम्बई। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है फिर? बहुत मजा आ रहा है, रात में भी मजा किया, अभी भी बहुत मजा आ रहा है। अभी तो हम लोग चिंटू के बारात में जा रहे हैं, वहाँ से आए, उसके बाद देखे क्या होता है, लेकिन रास्ता में बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम लोग। अभी तो चाय पी लिए, बिस्कुट खाए, अभी देखते हैं बहुत कुछ होगा, कोई ये नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। आप पीछे भी देख लीजिए कितना मजा कर रहे हैं। बताइए कुछ आप भी इंतजार के बाद आखिर वो दिन आज आ ही गया कि मेरे प्यारे भाई चिंटू का बराती में आज हम लोग जा रहे हैं। कल हल्दी का रस्म था, बहुत एंजॉय किए, अभी भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आगे भी बहुत एंजॉय होगा। थैंक यू। चलिए आप बताइए मामा की शादी? स्टिल फीलिंग सेम है, बहुत सालों के बाद बचपन का सपना सब जो पूरा हो रहा है, छोटा मोटा मामा की शादी में जाएंगे जाएंगे जाएंगे। थोड़ा लाउड बोलिए। तो फाइनली मामा की शादी हो रही है और हम जा रहे हैं बाराती में। हमने आप बोलिए, वो आँख साफ कर रहा है। नो कमेंट्स प्लीज, नो कमेंट्स। चलिए अमीषा दीदी आप बोलिए कुछ। भाभी अभी कुछ बोलिए। एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अरे चलिए आप लोग बोलिए थोड़ा कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जा रहे हैं शादी में, बेटा के शादी है, बहुत दिन का इंतजार करते करते। कैसे मिलेगा बोलो कुछ? कैसा फील हो रहा है गाइस? तुम बताओ कैसा फील हो रहा है? नींद में लग रहे, तुम एक्साइटेड नहीं दिख रही हो कोई भी। कुछ बोलिए वहाँ से। ठीक है, ठीक है। चिंटू भैया को ये दिखाई दे, ठीक है मतलब क्या है? कुछ बोलेंगे वहाँ से? कैसा लग रहा बोलो? देखो सब बिजी है पीछे। क्या ली है अमीषा? खट्टा मीठा, बचपन का चॉकलेट, बचपन का चॉकलेट। और इसी तरह ढेरों मस्ती करते हुए, पुरानी बातें याद करते, नई बातें बनाते, कुछ सीक्रेट जानते और बताते, हमारा सफर कटते जा रहा था और हम बहुत एक्साइटेड थे अपनी भाभी को घर लाने के लिए, भैया के पास हमेशा हमेशा के लिए। और ऐसे ही बहुत सारी खट्टी मीठी बातें करते हुए हम चल पड़े थे अपनी भाभी को बारात लेके। और ऐसे ही नोकझोंक करते हुए सफ़र कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और हम पहुँच गए थे वेन्यू पे। और सबसे पहले कि हम लोगों ने थोड़ी बहुत फोटो सेशन, क्योंकि फिर हमें लगा हम बहुत ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, एंड ऑब्वियसली डांस तो करना ही था, आखिर हम बाराती जो थे। और फिर शुरू हुए रिचुअल्स। कहते हैं शादी दो लोगों के बीच एक सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलने को कहते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है शादी के जरिए ना सिर्फ दो लोगों के बीच एक जीवन साथी का बंधन ही नहीं बनता, बल्कि शादी के जरिए ना दोनों लोगों के बीच अधिकारों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारण होती है ना। शादी के जरिए पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं और शादी के जरिए ना दोनों लोगों के जीवन भर के लिए साथ चलने का आशीर्वाद मिलता है। तो
इतना सब कुछ होता है तो ऑब्वियसली ये डे बहुत स्पेशल होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप हर वे से अपने सोलमेट से कनेक्ट होते हो. और जब ये सोलमेट का जब रिश्ता बनता है और उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर लव ऐड होता है ना, तो उससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता. लाइक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो ना सबसे ब्यूटीफुल रिश्ता होता है, जहाँ पीस हो, जहाँ लव हो, जहाँ लाइक एक वॉर्म्थ हो. और यही चीज़ थी इस शादी में. लाइक भैया की शादी में सिर्फ ये फंक्शन नहीं था, जबकि एक इमोशंस का पिटारा था और जो सब तरफ से उमड़ रहा था, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो पेरेंट्स से हो, चाहे वो फ्रेंड्स से हो. व्यक्तियों का संगम नहीं था, बल्कि दो परिवारों के एक होने का प्रतीक है. आपके साथ के इस नए अध्याय की शुरुआत आपके जीवन को खुशी, प्रेम और समृद्धि से भर दे. आप दोनों के प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं. ईश्वर आपके इस संबंध में हमेशा खुशियां और सफलता प्रदान करे. आपकी शादी के सभी फंकों में मिठास बनी रहे और आपका प्यार हर दिन और बढ़ता जाए. एक बार फिर से आपको मेरे द्वारा दिल से बधाई. आपको जीवन में हमेशा खुशियों से भरा रहे.
इनफैक्ट इतना ही नहीं, सब लोग जब थक चुके थे अपने अपने प्रॉपर आउटफिट में, सब लोगों ने चेंज किया, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लोग नाइट ड्रेस में दिख रहे होंगे। सब लोगों ने चेंज करके वापस से डांस किया अनलिमिटेड।
इसी के साथ फाइनली हमारी भाभी हमारी हुई, आई मीन भैया की हुई, और हाँ हम सबकी भी हुई, और फाइनली सारे रिचुअल्स ख़त्म हुए शादी के फंक्शन के, और हम लोगों ने फिर डिनर किया। डिनर में बहुत यमी यमी फूड था, और ये मेन्यू देखो कितना क्यूट था, इसमें भैया भाभी की फ़ोटो भी लगी हुई थी, और इसमें सब बंगाली में लिखा हुआ था, जो कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है, बट हाँ वी एन्जॉयड द फूड अ लॉट, लाइक बहुत यम्मीएस्ट फूड था। तो ये है ब्राइड, ये है ग्रूम, एंड कांग्रेट्स टू बोथ ऑफ देम। और इसी के साथ हम लोग टायर्ड हो गए थे, बैक टू बस हो गए थे, अब बारी थी वापस जाने की। आई होप आप लोगों ने ढेर सारा पागलों वाला डांस एंजॉय किया होगा। इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल पे नए हो, कुछ अच्छा या बुरा लगा हो सब कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच।